ओके, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे. अच्छा, क्या क्या पढ़ लिया था? वी वर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर लिए थे? सबसे पहले आर्टिकल 14. 14 में क्या डिस्कस किया था? राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है. 15 में क्या डिस्कस किया था? प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट. ओके. फिर 16 कौन सा था? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. फिर हम लोग ने कौन सा स्टार्ट किया था? 19. 19 में हम लोग किसकी बात कर रहे थे? फ्रीडम की. ठीक है. फ्रीडम में हम लोग ने पहला देखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वो कौन सा वर्ड था जो हम लोग आर्टिकल 19 में बात कर रहे थे? रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. और वो कौन सा वर्ड था जो हम लोग आर्टिकल 14 में बात कर रहे थे? आर्टिकल 14 में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस. ठीक है. क्लासिफिकेशन अलाउड था कि क्लास लेजिस्लेशन अलाउड था? क्लासिफिकेशन अलाउड था, और ऐसा क्लासिफिकेशन जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड हो और रैशनल नेक्सस पे. ठीक है. स्टेट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी हम लोगों ने. स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी. क्या था स्टेट का मतलब? जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जिनको भी पार्लियामेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, उन सबको क्या माना जाता था? स्टेट. क्या बीसीसीआई को स्टेट मानते थे? अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा केस हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो पहले ये कहा गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आते हैं, फिर बाद में कहा गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आते हैं? ऐसा कुछ डिस्कस किया था? क्या था नाम उस केस का? क्या बात है, वेरी गुड. हमदर्द दवाखाना. ठीक है. आंसर देने का सौभाग्य उन्हीं बच्चों को मिल पाता है जो क्लास में आते हैं, है ना. ऑनलाइन वाले घर पे बैठे बैठे बड़बड़ा रहे होंगे. कौन सुन रहा है उनकी? हम तो आपकी सुनेंगे, है ना. अच्छे बच्चे हैं जो क्लास में आते हैं. ओके, सो दिस वाज द लास्ट केस जो हम लोग ने डिस्कस किया था. उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. हाँ बेटा, कौन सा बेटा, कौन से पेज पे? 48 पे. अच्छा, ये केस लॉ जो था. ओके ओके, एक डाउट ले रहे हैं हम लोग. देखिए, ये केस लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था. द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली एक्सप्रेस द व्यू दैट अ कॉरपोरेशन इज नॉट अ सिटीजन. देखो, इसमें हम लोग बेसिकली ये बात कर रहे थे कि जो फ्रीडम होते हैं ये सिर्फ किसको मिलते हैं? सिटीजन्स को. ठीक है. अब अगली बात आती है, जो कॉरपोरेशन होती है यानी कि कंपनी, वो सिटीजन है कि नहीं? तो वो सिटीजन नहीं होती. इस हिसाब से जो कॉरपोरेशंस हैं या कंपनीज हैं उनके ऊपर आर्टिकल 19 एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन फिर बाद में कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम कंपनी के कोई अधिकार छीन रहे हैं और उससे इंडिविजुअल यानी शेयर होल्डर्स के भी फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहे हैं तो उनके ऊपर आर्टिकल 19 लग सकता है. ठीक है. तो अगर कंपनी, क्योंकि ये कहा गया कि अगर हम कंपनी का कोई अधिकार छीन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली किसके अधिकार छीने जा रहे हैं? शेयर होल्डर्स के. तो अगर हम कंपनी का अधिकार छीन रहे हैं, शेयर होल्डर्स का अधिकार इफेक्ट हो रहा है उससे, देन वी कैन ऑब्वियसली इन्वोक आर्टिकल 19. ठीक है, फाइन. अच्छा, एक क्वेश्चन हमने आपको कहा था पढ़ने को. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और हमने आपसे कहा था हमारे पास अधिकार है एसोसिएशन बनाने का एंड नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन. ठीक है. और इसमें हमने आपसे कहा था कि मान लीजिए एक एसोसिएशन बनी सीएस के बच्चों की, कुछ कुछ याद आ रहा है झलकियां? और हमने आपसे कहा था कि आपसे कहा गया कि आप इसके मेंबर बन जाइए, और आपने कहा हम इसके मेंबर नहीं बनेंगे. तो क्या आपके लिए मेंबर बनना कंपलसरी है? ये क्वेश्चन था टू बी कॉन्टिन्यूड में. नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो उसके मेंबर बने, हम चाहे तो उसके मेंबर ना बने. ये फंडामेंटल राइट ये कहता है वी हैव अ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन. हमारे पास एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है, और हमें ये भी अधिकार है कि हमको कंपल्सरली किसी एसोसिएशन का मेंबर ना बनाया जाए. ठीक है. तो चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड्स, अगर हमें एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम है तो हम उसकी मीटिंग्स भी होल्ड कर सकते हैं, प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली प्रोसेशंस मीन रैलीज वगैरह निकाल सकते हैं. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन फॉर यूनियन इज ऑल्सो गारंटीड सो दैट पीपल आर फ्री टू हैव द मेंबर एंटरटेनिंग सिमिलर व्यूज. आप देखिए, हमारी कंट्री में कई सारी ऐसे एसोसिएशंस होती हैं, क्लब्स होते हैं जिनके मेंबर्स होते हैं,
और आप देखिए ज्यादातर ये लोग जो होते हैं मेंबर्स होते हैं ये कुछ ना कुछ इवेंट करते रहते हैं ना, कभी कभी पेड़ लगा देते हैं, कभी चाय बंटवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं। ये इनका फंडामेंटल राइट है कि ये एसोसिएशन बना सकते हैं, उसकी मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ इनको करना है विदाउट वेपन्स। ठीक है, अगेन द राइट इज हाउएवर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे हर आर्टिकल में था वैसे इसमें भी है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसके लिए होनी चाहिए? सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। अब देखो वो केस था जो हमने आपको रीड करने के लिए दिया था। अ क्वेश्चन नॉट येट फ्री फ्रॉम डाउट इज वेदर द फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ऑल्सो कन्वेज द फ्रीडम टू डिनाई टू फॉर्म एन एसोसिएशन। ठीक है, मतलब क्या फॉर्म एन एसोसिएशन एंड नॉट टू फॉर्म एन एसोसिएशन दोनों कवर होगा? इन टीका राम जी वर्सेज उत्तर प्रदेश द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अज्यूमिंग द राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन इम्प्लाइज अ राइट नॉट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। आई थिंक अब क्लियर है। ठीक है, ये इस केस में डिसाइड हुआ था टीका राम जी में कि अगर हमारे पास एसोसिएशन बनाने का अधिकार है तो हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम एसोसिएशन ना बनाएं। हाउएवर द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज हेल्ड दैट दिस राइट नेसेसरली इम्प्लाइज अ राइट नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन। हेंस, ये जरा मार्क करना क्या लिखा हुआ है, हेंस द रूल विच मेड इट कंपल्सरी फॉर ऑल द टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टू बिकम मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन वर हेल्ड टू बी वॉइड एज बींग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। ये केस समझ में आया? कह रहे हैं एक रूल बना और उस रूल में ये कहा गया कि जितनी भी एलिमेंट्री स्कूल की टीचर्स हैं उन सबको एक एसोसिएशन का पार्ट फॉर्म करना पड़ेगा। ये रूल जो बनाया गया, ये रूल, ये लॉ वैलिड होगा कि इनवैलिड? इनवैलिड होगा बिकॉज इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 19। आप किसी को भी किसी एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, फाइन, याद रहेगा एग्जाम में आएगा तो पक्का। चलो नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? हम कहीं भी जा सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अनदर राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। दिस राइट हाउएवर डज नॉट एक्सटेंड टू ट्रैवल अब्रॉड। अच्छा, हम कहीं भी जा सकते हैं मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं कि इंडिया के बाहर कहीं भी जा सकते हैं? क्यों, इंडिया के बाहर भी तो जा सकते हैं, फिर इंडिया के बाहर भी तो फ्रीली जा सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं। इंडिया के बाहर जाने के लिए हमको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? पासपोर्ट की, वीजा की, परमिशंस जो उस कंट्री की होंगी उसकी। ठीक है, यानी राइट टू मूव फ्रीली ये सिर्फ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्क करता है, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि हर आर्टिकल में है वैसे इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इफ इट इज इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आर्टिकल 19 गारंटीज टू अ सिटीजन द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम कहीं भी जा सकते हैं और हम कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं। द राइट ओवरलैप्स द राइट गारंटीड बाई क्लॉज डी। दिस फ्रीडम इज सेट टू बी इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू इनेबल एवरी सिटीजन टू ट्रेवल फ्रीली एंड सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो आज आपको लगता है हम कानपुर छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हुआ ये कि सीएस में होगा इतनी बार फेल, ठीक है, निकल रहा नहीं था, थोड़ी इंसल्ट जैसी बात हो जाती है। अब यहाँ सब लोग जानने पहचानने लग गए है ना, कुछ साल तक जब आप सीएस देते रहेंगे तो आपको पता है सेंटर वालों से आपकी जान पहचान हो जाएगी। हाँ, जो जहाँ आप एग्जाम देने जाते हैं कानपुर विद्या मंदिर जहाँ होता है आपका पेपर, उसके गार्ड वार्ड से जान पहचान हो जाएगी, सलाम अलाम होने लग जाएगा। अच्छा भैया फिर आ गए, ऐसे होने कई साल हो जाते हैं करते करते, है ना। तो आपने सोचा कि भाई अब बहुत हो गया, अब कानपुर हम छोड़ के जाएंगे, अब हम कहीं और जाके बसना चाहेंगे, वहां से फिर से नई शुरुआत करेंगे, सीएस का पेपर देंगे। तो आप किसी दूसरे शहर में जाके बस सकते हैं, वहां रह सकते हैं, यस। क्या इसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत है? नो। ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए एक ही बार में निकाल लीजिएगा, पता चला सेंटर वाले आपसे कह दें यहीं रह जाओ कानपुर विद्या मंदिर में, है ना। ओके, एफ वाले पे आओ। राइट टू एक्वायर होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था।
फिर इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लीगल राइट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। अच्छा कह रहे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन का मतलब आर्टिकल 19(1)(g) प्रोवाइड्स दैट ऑल सिटीजंस शैल हैव अ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। पहले तो हमको बताओ ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ट्रेड। सिर्फ ट्रेड का मतलब क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस का मतलब क्या हुआ, अच्छा ट्रेड ज्यादा बड़ा वर्ड है कि बिजनेस, ट्रेड क्या ज्यादा बड़ा है, ट्रेड की बिजनेस, बिजनेस बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड। मेरा बिजनेस किसी चीज का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी तो हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है, वेयर हाउसिंग भी हो सकती है, पैकेजिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब हुआ सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग, किसी भी तरीके का कमर्शियल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बिजनेस। एंड व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड प्रोफेशन। आपको याद है जब आप क्लास 11th में होंगे तब आपका एक सब्जेक्ट हुआ होगा BST, आई थिंक CBSE में BST था और ISC में कॉमर्स था, है ना। तो उसमें एक टॉपिक आप पढ़ते थे डिफरेंस बिटवीन ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, अगर कभी स्कूल गए हो तो, है ना। व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन के लिए क्या जरूरी है, डिग्री। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। प्रोफेशन के लिए यू नीड अ स्पेसिफिक डिग्री, अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए क्या डिग्री चाहिए बताओ, बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री चाहिए, नो। ट्रेड करने के लिए कोई, तुम पहले सांस तो ले लो, आते आते आंसर बता रही हूँ, पहले दो तीन थोड़ा, हाँ। ट्रेड के लिए कोई डिग्री की जरूरत है, नो। प्रोफेशन के लिए डिग्री की जरूरत है, आप क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन, इसीलिए डिग्री की जरूरत है, ठीक है। प्रोफेशन एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए आपके पास स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए और उसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों ही चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं कि हम फ्री हैं, हम ट्रेड भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और प्रोफेशन भी। एंड एनालिसिस ऑफ द केस लॉ रिवील्स दैट एम्फेसिस ऑन द कोर्ट हैज बीन ऑन सोशल कंट्रोल एंड सोशल पॉलिसी। एक लाइन छोड़ के मार्क करना, द वर्ड ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन यूज्ड इन दिस आर्टिकल हैव रिसीव्ड अ वैरायटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन ऑफ मेन इन बाइंग एंड सेलिंग। अगर हम सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड। अगले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा है द वर्ड बिजनेस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन ट्रेड। ट्रेड जो होता है वो छोटा वर्ड होता है, बिजनेस जो होता है वो बड़ा वर्ड होता है, बिजनेस के अंदर ट्रेड इंक्लूड हो जाएगा। ईच केस मस्ट बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन सर्कमस्टेंसेस। और अगली लाइन में लिखा है प्रोफेशन क्या होता है, अ प्रोफेशन ऑन द अदर हैंड हैज बीन हेल्ड ऑर्डिनरली एज एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग इंटेलेक्चुअल स्किल। हमारा दिमाग का काम होता है, ठीक है। प्रोफेशन में आप ये सोच के देखिए, जब आप CS बन जाएंगे, ठीक है, व्हाट विल बी योर रॉ मटेरियल बताइए। जब आप अपना ऑफिस खोलेंगे, क्लाइंट को सर्विसेज देंगे या कंपनी में जॉब करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, माइंड। प्रोफेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपका रॉ मटेरियल इज योर माइंड। इसीलिए प्रोफेशन में एक सबसे अच्छी चीज होती है, ना आपको चोरी का डर है, ठीक है भाई। अगर आपने CA का ऑफिस खोला तो वो क्या चुरा के ले जाएगा, कंप्यूटर, टेबल, चेयर, दिमाग थोड़ी चुरा सकता है, ठीक है। हम लोग का जो काम होता है वो दिमाग का काम होता है, वी यूज आवर ब्रेन्स। हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, हमारा कोई लेबर नहीं है, ठीक है। हमें लैंड की भी जरूरत नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो, ओके। कई लोग अपने घर से बैठ के काम करते हैं, ओके। तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है काम करने के लिए, इसलिए प्रोफेशन को इंटेलेक्चुअल काम कहा जाता है, वी यूज आवर ब्रेन्स। लेकिन उसके लिए ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, है ना। तो ये प्रोफेशन तभी हो सकता है, नहीं हम लोग के पास तो है, अपने ऊपर मत लो, ठीक है, हमारे पास तो है, लेकिन इस प्रोफेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज योर ब्रेन। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आपका माइंड शार्प होगा, उतना ही आपका रॉ मटेरियल होगा और उतनी अच्छी हम सर्विसेज दे पाएंगे, ओके। द प्रोफेशन जो होता है एक इंटेलेक्चुअल काम होता है। नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गए थे हम, हमने कहा रोज वही बच्चे आते पढ़ाते, कुछ नया किया जाए। तो कल से हमने यहाँ पर एक डॉक्टर की क्लिनिक खोल ली, हमने कहा अब हम दवाई बांटेंगे। अभी तक JIGL के लेक्चर बांट रहे थे, अब दवाई बांटेंगे, कर सकते हैं ऐसा, क्यों,
आर्टिकल 19 कहता है हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन है, हम जब चाहे जो चाहे वो काम कर सकते हैं। बोर हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अब डॉक्टर बनने का मन चाह रहा है, दवा खाना खोल ले, क्यों? इंटेलेक्चुअल बहुत है हमारे पास, पूछो तो देखो ऐसी दवाई बताएंगे, सर दर्द हो डिस्प्रिन खा लेना। हाँ बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि हम कोई भी ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रोफेशन के लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो यही आर्टिकल कहता है कि जब तक आपके पास वो डिग्री नहीं है आप वो काम प्रोफेस नहीं कर सकते। ठीक है, फाइन। सिमिलरली अगर आप सीएस नहीं बने हैं तो क्या आप सीएस का ऑफिस खोल के बैठ सकते हैं? क्या आप सीएस की तरह साइन कर सकते हैं? नो। इस चीज के लिए यू नीड टू हैव अ क्वालिफिकेशन। ओके, देखो जरा यहां से मार्क करना, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, हम कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। द फ्रीडम इज नॉट अनकंट्रोल्ड, कह रहे हैं इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जरा देखिए एक फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है, इट इम्पोजेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। कह रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए तो लगाई जा सकती है। ठीक है, हमने कहा हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, JIGL पढ़ा रहे, कल से हम ये पढ़ाएंगे कि बम ब्लास्ट कैसे किया जाए, कुछ नया टॉपिक लेकर आए। ठीक है, तो अब हम इस तरीके की ट्रेनिंग इम्पार्ट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों रोक के देखो, हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारा जो मन चाहेगा वो करेंगे, कर सकते हैं। दंगे कैसे करे जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कैसे, ये सब सिखाया जाएगा, इसका टेस्ट भी लेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम कोई भी प्रोफेशन बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे जनरल पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा है तो हमारे इस फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। सेकेंड देखो क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर कैरियिंग ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस। अगर हमारे उस काम को करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन या किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो हम वो काम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना हो। एंड थर्ड, इनेबल्स द स्टेट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस टू द एक्सक्लूजन ऑफ प्राइवेट सिटीजन होली और पार्शली। ये बताओ क्या लिखा है, इनेबल्स द स्टेट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस टू द एक्सक्लूजन ऑफ प्राइवेट सिटीजन। हाँ बिल्कुल सही पहुंच रहे हो, गवर्नमेंट के पास एक पावर है मोनोपोली क्रिएट करने की। ठीक है, ये लाइन जरा देखो, इनेबल्स द स्टेट, पहले तो बताओ स्टेट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट, टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस टू द एक्सक्लूजन ऑफ प्राइवेट सिटीजन। टू द एक्सक्लूजन ऑफ प्राइवेट सिटीजन मतलब सरकार के पास एक अधिकार है किसी भी चीज पे मोनोपोली क्रिएट करने का। अगर सरकार ने डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर काम सिर्फ हम करेंगे तो फिर कोई और प्राइवेट सिटीजन वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कहा रेलवे सिर्फ हमारे अंडर होगी गवर्नमेंट, ओके, और इस पे हमारी मोनोपोली है। अब अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये हमारी मोनोपोली है तो अब आप ये नहीं कह सकते नहीं हम भी बिजनेस करेंगे, हम भी ट्रेनें चलवाएंगे, ये नहीं हो सकता। यू हैव अ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसकी मोनोपोली सरकार ने ले रखी है और सरकार ने ये कहा है कि कोई और प्राइवेट सिटीजन ये काम नहीं करेगा, देन इन दैट केस वो काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, किसी और को वो काम करना अलाउड नहीं होगा। ये वही चीज है स्टेट मोनोपोली वाली। ठीक है, क्लियर। तो ये तीन रिस्ट्रिक्शंस हैं इस आर्टिकल के अंडर। वैसे तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन है, लेकिन तीन रिस्ट्रिक्शंस क्या है, फर्स्ट अगर जनरल पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए तो वो वैलिड है, अगर किसी प्रोफेशन को करने के लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एंड थर्ड अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, फिर वो काम करने की परमिशन किसी और को नहीं मिलेगी। इसके अलावा वी हैव अ फ्रीडम, हम कोई भी बिजनेस और ट्रेड कर सकते हैं। एनी डाउट, पक्का चले? ओके, इतना ही मार्क करना इसमें। और अब देखो वही चीज है अगला, मोनोपोली। और अब आपके सामने आ रहा है एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, जरा जवाब दीजिएगा। एक गांव था, ठीक है, उस गांव में जो लोग थे वो क्या करते थे, कुछ लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे और कुछ लोग, बाकी लोग जो थे वो क्या करते थे, बीड़ी बनाने का काम करते थे। बीड़ी समझते हैं आप, बीड़ी, अरे बीड़ी
समझते हो, बता नहीं रहे हो, अभी पी के आए हो। नहीं, अच्छा, तो बीड़ी बनाने का काम करते थे, बीड़ी रोल करने का काम करते थे, ठीक है। तो सरकार ने एक एक्ट पास किया, एक लॉ पास किया, और सरकार ने ये कहा, सरकार ने फील हुआ कि सब लोग बीड़ी बनाने में लगे हैं, एग्रीकल्चर का काम कोई नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब जब खेती का सीजन आया तो सरकार को ऐसा लगा कि लोग खेती का काम नहीं कर रहे हैं, खेती का काम छोड़ के बीड़ी रोल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि खेती का काम एसेंशियल कमोडिटी में आ गया। इसलिए सरकार ने एक लॉ बना दिया, एक एक्ट पास कर दिया, और उन्होंने ये लिखा कि एग्रीकल्चर सीजन में गांव का कोई भी पर्सन बीड़ी रोल करने का काम नहीं करेगा, ना खुद करेगा ना किसी से करवाएगा। ऐसा लॉ सरकार ने इसलिए बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते, एग्रीकल्चर में काम करते। हुआ इसका इम्पैक्ट ये, जब ये लॉ आया तो इम्पैक्ट ये हुआ कि वो लोग जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो खेतों में काम नहीं कर पाते थे, जैसे सीनियर सिटीजन, जैसे फीमेल्स, जैसे छोटे बच्चे। वो लोग अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए घर पे बीड़ी रोल करने का काम करते थे। लेकिन जब सरकार का ये लॉ आया कि कोई भी बीड़ी रोलिंग का काम नहीं करेगा, तो उनके पास से भी ये काम चला गया। अब आपके सामने केस आया, आप जज हैं, आपके सामने केस आया, सरकार का कंटेंशन ये है कि भाई एग्रीकल्चर एक एसेंशियल कमोडिटी है, इसलिए हमने ये रूल बनाया और हमने ये कहा कि एग्रीकल्चर सीजन के ड्यूरेशन में कोई भी बीड़ी रोलिंग का काम नहीं करेगा। दिस इज वन कंटेंशन। और गांव वाले ये कह रहे हैं कि आपके इस रूल से वो लोग जो वैसे भी एग्रीकल्चर का काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, उनके आपने ट्रेड और बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो आपके हिसाब से एज अ जज किसका कंटेंशन सही है? ये केस का आंसर देने का भी सौभाग्य सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों को मिलेगा, ऑनलाइन वालों नहीं सुनेंगे हम। हाँ बताओ, कौन जीतेगा? गवर्नमेंट सही कह रही है कि गांव वाले सही कह रहे हैं? एवरीवन, गांव वाले सही कह रहे हैं। क्यों? सरकार कह रही है हमने तो लॉ बनाया है, आप तो सोच के बनाया कि भाई एग्रीकल्चर एसेंशियल कमोडिटी है। ओके, एनीबडी ऑफ द व्यू कि नहीं गवर्नमेंट सही है? सबको क्या लग रहा है, गांव वाले सही है? सरकार ने ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ये रिस्ट्रिक्शन अनफेयर है? हाँ हाँ बेटा, रीजन अनजस्टिफाइड है, जिस वजह से उन्होंने लगाया वो अनजस्टिफाइड है। सरकार अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगाती कि जो लोग खेतों में काम करते हैं वो खेतों में करेंगे, वो बीड़ी रोल नहीं कर सकते, लेकिन सरकार ने क्या रूल बना दिया, कोई भी बीड़ी रोलिंग का काम नहीं कर सकता। ऐसी रिस्ट्रिक्शन अगर सरकार ने लगाई है तो इस रिस्ट्रिक्शन को अनरीजनेबल हेल्ड कर दिया गया था, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, इस केस का नाम है चिंतामन राव। सब याद रखना, केस के नाम भले ही ना याद हो, केस का जजमेंट्स याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं ये सब। चिंतामन राव, देखिए केस में क्या हुआ। इज अ लीडिंग केस ऑन द पॉइंट वेयर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ मध्य प्रदेश एक्ट वॉज चैलेंज्ड। जरा लॉ पढ़ना सीखो, अगर इतनी लाइन लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ मध्य प्रदेश एक्ट वॉज चैलेंज्ड, क्या बता सकते हो जो सरकार ने ये लॉ बनाया कि कोई भी बीड़ी रोलिंग का काम नहीं करेगा, वो कौन सा एक्ट था? मध्य प्रदेश एक्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश एक्ट करके उन्होंने एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट में लिखा कि एग्रीकल्चर सीजन में कोई भी बीड़ी रोलिंग का काम नहीं करेगा। अब अगर लाइन लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ मध्य प्रदेश एक्ट वॉज चैलेंज्ड, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? मध्य प्रदेश एक्ट को चैलेंज किया गया इस ग्राउंड में कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये केस है। सिर्फ इतनी लाइन से आपको समझ में आ गया कि इस केस में क्या हो रहा होगा। मध्य प्रदेश एक्ट एक पास हुआ, उस एक्ट को चैलेंज किया गया कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ ट्रेड के अगेंस्ट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ। द स्टेट लॉ, कौन सा लॉ था ये? वही मध्य प्रदेश एक्ट, प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चर ऑफ बीडीज इन द विलेजेस ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन। इस लॉ में ये लिखा था कि एग्रीकल्चर सीजन में गांव में कोई भी बीड़ी का काम नहीं करेगा। नो पर्सन रिसाइडिंग इन द विलेज कुड एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन नॉर इंगेज हिमसेल्फ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बीड़ी ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन। इन्होंने कहा ना तुम खुद बीड़ी बनाओगे ना तुम किसी से बीड़ी बनवा सकते हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन वॉज टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। सरकार का ये रूल बनाने का पर्पस क्या था? कि एडिक्वेट सप्लाई हो लेबर की, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। द बीड़ी मैन्युफैक्चरर कुड नॉट इवन इम्पोर्ट लेबर फ्रॉम आउटसाइड। बीड़ी मैन्युफैक्चरर वाला बाहर से लेबर भी नहीं मंगवा सकता था। सो हैड टू
सस्पेंड मैन्युफैक्चर ऑफ बीडी ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन. अब देखना जरा क्या लिखा है. इवन द विलेजर्स इनकेपेबल ऑफ इंगेजिंग इन एग्रीकल्चर, जो बेचारे वैसे भी एग्रीकल्चर का काम नहीं कर रहे थे, लाइक ओल्ड पीपल, विमेन, चिल्ड्रन, हु सप्लीमेंटेड देयर इनकम बाय इंगेजिंग देमसेल्व्स इन मैन्युफैक्चरिंग बीडी, वर प्रोहिबिटेड विदाउट एनी रीजन. तो जरा फाइनल आंसर जैसे कि आपने बताया, देखो क्या हुआ, द प्रोहिबिशन वॉज हेल्ड टू बी अनरीजनेबल. इस प्रोहिबिशन को अनरीजनेबल मान लिया गया एंड ऑब्वियसली जो मध्य प्रदेश एक्ट था उस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर लिया गया कि आप ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ये लोगों के फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे रुकावट डाला जा रहा है. क्लियर? ठीक है, फाइन. चलो अब हम लोगों ने फिनिश कर लिया है फाइनली आर्टिकल 19. तो पहले हम लोगों ने 14 पढ़ा था जिसमें हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे थे, 19 पढ़ा जिसमें हम लोग फ्रीडम की बात कर रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर्टिकल 20, 21, 22, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. नाउ आर्टिकल 20, 21, 22 प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन रेलेवेंट टू द क्रिमिनल लॉ. अब जो हम लोग आर्टिकल पढ़ने वाले हैं उसमें प्रिवेंशन मिल रही है या बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने कोई क्राइम किया है. एक तरह से हम लोग अब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. यहां पर इस फंडामेंटल राइट में बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने कुछ गलत काम किया है उनको क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं, उनको क्या क्या सेफगार्ड मिले हुए हैं. ठीक है, आर्टिकल 20 गारंटीज टू ऑल पर्सन्स. मार्क कर लो ये लाइन, आर्टिकल 20 जो हम लोग पढ़ने वाले वो सबको मिलेगा, वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन. ये बात समझ में आ गई? ये आर्टिकल किसको मिलेगा, सिटीजन्स को कि सबको? सबको, चाहे सिटीजन हो चाहे ना हो. आर्टिकल 19 किसको मिल रहा था, सिटीजन्स को. आर्टिकल 14 किसको मिल रहा था, सबको. ठीक है, तो अब हम लोग कुछ ऐसे अधिकार पढ़ने वाले हैं जो उनको मिलेंगे जिन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया. ओके, जिसमें सबसे पहला आता है वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. पहले तो बोल के दिखाओ जरा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. नाम ही ऐसे ना, दो चार दिन तो नाम बोलने में लग जाए. अच्छा एक बात बताइए, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब आपने सीएस का रजिस्ट्रेशन कराया एग्जीक्यूटिव का इंस्टीट्यूट में आईसीएसआई में, तो कुछ 10,000 फीस लगी शायद सबकी. ठीक है, तो आपने कहा ठीक है भाई 10,000 दे कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया. फिर आप अपने एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई करने लग गए और अचानक एक रूल आया कि एग्जीक्यूटिव की आईसीएसआई की जो फीस है वो 1,00,000 रुपये हो गई है. तो आपके घर में चिट्ठी आई कि 90,000 रुपये भिजवा दो. ठीक है, भिजवाएंगे. कितनी जल्दी आंसर आता, नहीं सवाल ही नहीं उठता. क्यों? इंस्टीट्यूट कह रहे वो जो फीस थी 10,000 थी अब बढ़ गई है 1,00,000 हो गई है, तो आप 90,000 रुपये और भिजवा दीजिए. क्यों नहीं, नहीं भिजवाएंगे तो हमें पता था. ठीक है, 1 रुपये ना देंगे आप इंस्टीट्यूट को. अच्छा क्यों नहीं भिजवाएंगे? ओके ओके, और ओके, और कुछ? और इंस्टीट्यूट ने आपकी बात नहीं मानी तो दंगा कर देंगे, कह के तो देखें, है ना? क्या करेंगे आप ऐसा? और आपका जस्टिफिकेशन, पहली चीज तो हम देंगे नहीं 1 रुपये भी, और आपका जस्टिफिकेशन ये होगा कि भैया जब हमने एडमिशन लिया उस टाइम 10,000 थी, आज अगर कोई नया रूल लग रहा है तो हमारे ऊपर थोड़ा ना लागू होगा, जो नए बच्चे उनसे लो. वैसे भी हमको पता होता है 1,00,000 हम ये कोर्स करते चले जाते MBA करके बाहर, है ना, कॉलेज की दुनिया जी रहे होते. एनीवेज, तो आपका जस्टिफिकेशन ये है कि जब हमने एडमिशन लिया उस टाइम जो फीस एप्लीकेबल थी हम उस टाइम का देंगे. आगे अगर लॉ में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, उस लॉ को हम फॉलो नहीं करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल, ये वाला समझ में आ गया सबको. दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आजकल आपका टेस्ट होता है तो आप एक रूल है, एक नियम है कि टेस्ट में चीटिंग करते हैं आप. हाँ अभी बोल दिया तुरंत ना, हाँ वो तो है. ठीक, तो आप चीटिंग करते हैं, टेस्ट हुआ आपने चीटिंग कर ली, आपने चीटिंग कर ली, उसके बाद आप सीएस बन गए, आप अपने ऑफिस में बैठे थे. फिर एक रूल पास हुआ कि क्लास के टेस्ट में चीटिंग करने को गुनाह माना गया है और इसके लिए आपको 2 साल की जेल होगी. ठीक है, ये एक नया एक्ट आया और जैसे ही ये एक्ट आया वैसे ही पुलिस आ गई आपके घर और आपसे कहा गया कि जब आप एग्जीक्यूटिव में थे तो आपका JIJL का एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में आपने चीटिंग करी थी, इसलिए हम आपको जेल में लेके जा रहे हैं. क्या आप जेल जाएंगे? क्यों क्यों? आप क्या, आपका क्या कंटेंशन होगा, क्या जस्टिफिकेशन होगा? सोच के देखो, अगर ऐसा हो जाए, है ना, तो
तो बाकी की जिंदगी तो जेल में ही कट जाए, कितने टेस्ट में कितनी चीटिंग कर डाली आपने। ठीक है, आप कहेंगे जिस टाइम हमने चीटिंग करी उस टाइम थोड़ी ना लॉ था, और अगर उस टाइम लॉ होता तो हम थोड़ी ना चीटिंग करते। अगर पहले कोई मतलब बाद में कोई लॉ बनाया गया है तो वो पहले किए गए काम के ऊपर थोड़ी ना लागू हो जाएगा। ये रूल जो दोनों एग्जाम्पल में फिट हुआ है, जो बेसिक चीज आपको समझ में आई है कि जिस वक्त हमने काम किया है उस वक्त का लॉ देखा जाएगा। इसी नियम को क्या कहा जाता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। हमारे ऊपर वो रूल लगेगा, वो लॉ लगेगा जो उस वक्त फोर्स में हो जिस टाइम हमने वो काम किया है। मान लीजिए आज हमने चोरी करी, ठीक है, और चोरी करने के लिए सजा थी लेट से 5 ईयर्स, हमको जेल भेज दिया गया, हम 5 साल जेल में चले गए। जिस दिन 5 साल ओवर हुए और मेरी रिहाई का दिन था, हम तैयार होके बाहर आ ही रहे थे, तब तक एक लॉ पास हो गया कि चोरी की सजा 10 साल हो गई है, हमको वहीं से अबाउट टर्न कर दिया गया और फिर से 5 साल के लिए भेज दिया गया। होगा ऐसा? फिर 10 साल हुए, फिर से हम बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब तक लॉ आ गया कि अब सजा 15 साल हो गई है, और 15 साल हो गए हम कभी जेल से बाहर नहीं आ पाए। हो सकता है ऐसा? हम क्या कहेंगे? हमने जब गुनाह किया था तब सजा कितनी थी? 5 साल। तो हमारे ऊपर क्या लागू होगी? 5 साल। हाँ तो नई वाली लगेगी क्योंकि अभी डिसीजन कहाँ आया है। ठीक है, हियरिंग चल रही है, डिसीजन नहीं आया है। डिसीजन जिस दिन आ गया, साल सजा हो गई, लागू हो गई, तब देखेंगे। ठीक है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये कहता है यू विल बी पनिश्ड व्हाट वाज अ क्राइम व्हेन इट वाज डन। जब आपने वो गुनाह किया था उस टाइम के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। ठीक है, अगर आज हमने चोरी करी और चोरी करने की पेनाल्टी, जैसे हम लोग हर सेक्शन में हर एक्ट में देखते हैं पेनाल्टीज होती है, तो मान लो आज पेनाल्टी है 50,000 रुपए, हमने 50,000 रुपए जमा कर दिए। ठीक है, कल को एक एक्ट आता है कि उसकी पेनाल्टी बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है, तो क्या हमसे फिर से 50,000 वसूल किए जाएंगे? नो, हमसे उस वक्त क्या हमारे ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल होगा जो उस वक्त लागू हुआ जिस टाइम वो फोर्स में था। ठीक है, चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। पहले इतनी लाइन पढ़ के देखिए, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, किसी को भी ऐसी ऑफेंस की सजा नहीं होगी फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। जिस वक्त आपने वो काम किया उस वक्त अगर वो गुनाह था तो आपको सजा होगी, बाद में अगर उसको गुनाह डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको सजा नहीं होगी। नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? उस टाइम जितनी पेनाल्टी थी आपके ऊपर वही लागू होगी, ज्यादा पेनाल्टी नहीं लग सकती। अगले पैराग्राफ में देखो, फर्स्ट लाइन में लिखा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर द लॉ व्हिच पनिश्ड व्हाट हैड बीन लॉफुल व्हेन डन। जब आपने किया था तब वो लॉफुल था, तो आज आपको उसकी सजा नहीं मिल सकती। आज आप टेस्ट में चीटिंग कर रहे हैं, लॉफुल है, मतलब लॉफुल नहीं है बट ठीक है, अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर इसको आगे जाके सजा घोषित कर दिया जाता है तो इसके पहले जिन्होंने किया उनके ऊपर लागू नहीं होगा। हाँ, वो ये कहेंगे आज के बाद जिसने भी चीटिंग करी उसको सजा होगी। ओके, इफ अ पर्टिकुलर एक्ट वॉज नॉट एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड एट द टाइम व्हेन द पर्सन डिड दैट एक्ट, देन ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड अंडर अ लॉ विद विद रेट्रोस्पेक्टिवली डिक्लेयर्स दैट एक्ट एज एन ऑफेंस। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? दो चीजें होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रेट्रो मतलब पहले से लागू होना। ठीक है, तो मान लो 2020 में एक लॉ आया कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2010, ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। अब 2010 से जो जो काम हुए हैं वो सब कवर हो गए। कह रहे ऐसा नहीं कर सकते आप, पनिशमेंट और पेनाल्टी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल देखो, वॉट वॉज नॉट एन ऑफेंस इन 1972, जो 1972 में ऑफेंस नहीं था, कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस अंडर अ लॉ मेड इन 1974। 1974 में लॉ आया, क्या ये लॉ ये कह सकता है कि 1972 में भी जिसने ये काम किया तो उसको भी ऑफेंस मान लिया? तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टिव कर सकते। इवन द पेनाल्टी फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी इंक्रीज विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज फॉर कमिटिंग डेकोइटी, ये डेकोइटी क्या होता है?
हाँ जो डकैती कहते हैं ना हम लोग उसको, देखो इंग्लिश में लिखा होता है डेकोइटी। द पेनाल्टी 1970 वाज, डेकोइटी की पेनाल्टी 1970 में 10 साल की इम्प्रिजनमेंट थी। एन अ पर्सन कमिट्स डेकोइटी इन दैट ईयर बाय अ लॉ पास्ड आफ्टर हिज कमिटिंग डेकोइटी, पेनाल्टी फॉर दिस कैन नॉट बी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 11 ईयर्स और टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जब उसने डेकोइटी की थी तब 10 साल की सजा थी, ठीक है। अब जैसे ही उसकी छूटने की बारी आ रही थी तब तक उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, तो उसको वहीं जेल के अंदर ही बंद रखोगे? वो कह रहा है जब हमने करा था तब 10 साल की सजा थी, तो हाँ आपको हमें 10 साल के बाद रिहा करना पड़ेगा। एनी डाउट? समझ आ गया एक्सपोज फैक्टो? ओके, एक चीज और देख लो अगले पैराग्राफ में, ये केस मार्क कर लेना। कह रहे हैं इट वाज क्लैरिफाइड इन आर्टिकल 20 प्रोहिबिटेड द कन्विक्शन अंडर एन एक्सपोज फैक्टो लॉ एंड दैट टू द सब्सटेंटिव लॉ। दिस प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजरल लॉ, दस नो वन हैज अ वेस्टेड राइट इन अ प्रोसीजर। अ लॉ विच नलिफाइज द रिगर ऑफ क्रिमिनल लॉ इज नॉट इफेक्टेड बाय द रूल अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉ। दो चीजें होती है, हमने आपको बताया था, एक सब्सटैंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। कह रहे हैं जो सब्सटैंटिव लॉ होता है, जो सजा बताता है, वहां पर एक्सपोज फैक्टो लॉ वर्क करता है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए सेम एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने आपसे कहा कि जब आपने एडमिशन लिया तो 10,000 की फीस थी, आज 1 लाख की फीस हो गई है, तो आप नहीं देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कह रही है, मतलब ICSI कह रहे हैं कि जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, ठीक है। आज एक नया रूल आया है कि आपकी लेट से एक एडिशनल मार्कशीट, 10th की मार्कशीट भी लगेगी, तो आप अपनी वो 10th की मार्कशीट एडिशनली मेल करके लगा दीजिए, ये मान लोगे? समझ में आया क्या फर्क है? प्रोसीजर रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, सब्सटैंटिव लॉ रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। किसी चीज के प्रोसीजर को, मान लीजिए आज लॉ पास हुआ, उन्होंने ये कहा कि अपने पिछले 2 साल की डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, या जो प्रोसीजर है वो इस तरह से होगा, ये हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव। लेकिन जो सजा है, पेनल्टी है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हो सकती। तो एक्सपोज फैक्टो लॉ प्रोटेक्शन दे रहा है सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंटिव लॉ पे, प्रोसीजरल लॉ को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, आ सकता है। एनी डाउट टू एनीवन? हम लोग आर्टिकल 19 का कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 19 का कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं? 19 पढ़ रहे हैं, 19 हो गया, फ्रीडम बहुत हुआ, अब सजाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग आर्टिकल 20 पे मूव कर गए हैं। 20 का फर्स्ट वाला कौन सा पढ़ा? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। चलो सेकंड पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अच्छा आपने ये सुना है कि एक खून की सजा फांसी होती है और 100 खून की सजा भी फांसी होती है, ऐसा सुना है आपने कहीं? नहीं सुना? अच्छा अभी सुन लो। एक नियम होता है कि एक खून, अच्छा नियम क्या होता है एक बार बताओ, आप एक खून करो या 100 खून करो, फांसी एक ही बार होगी, या अगर आपने 100 खून करे तो 100 बार फांसी चढ़ाई जाएगी? तो इस लाइन से आपको क्या सीखने को मिलता है कि अगर करना तो 100 ही करना, फिर फायदा क्या एक खून करने से? जितने जितने दुश्मन हैं सबको मार डालना, तो फांसी होनी ही है ना, तो सबको मार के करना चाहिए। एक रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कहता है एक ही ऑफेंस की 2 बार सजा नहीं हो सकती, ठीक है। यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल आपने हमारा सामान चुराया, ठीक है, या आपने हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी करी या कुछ भी गलत काम किया, तो कोर्ट में केस हुआ, उस कोर्ट ने आपको सजा भी सुना दी कि तुम्हें 2 साल की सजा हुई, ठीक है। अब हमने कहा कि रुक जाओ, अभी हम तुम्हें दूसरे कोर्ट लेके चल रहे हैं, वहां से हम तुम्हें और सजा दिलवाएंगे। ऐसे कर करके हम आपको इंडिया के सारे कोर्ट ले गए और कुल मिला के 20-25 साल की सजा इकट्ठा कर ली हमने, ऐसा हो सकता है? एक बार अगर एक सजा की डिसीजन हो गया है, वही केस वही सजा दोबारा नहीं हो सकती। इसको कहा जाता है डबल जियोपार्डी, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है केस होना, प्रोसीजर होना, एंड पनिश मतलब पनिशमेंट। नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक गलत काम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। इट इज हाउएवर टू बी नोटेड दैट द कंजंक्शन एंड इज यूज बिटवीन द वर्ड प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ केस किया, ठीक है, ये केस चलता रहा, बहुत ध्यान से समझना, ए ने बी के खिलाफ केस किया, ये केस चलता रहा, प्रोसिक्यूशन होता रहा, लेकिन बाद में बी को छोड़ दिया गया, मतलब इस केस में कुछ ऐसा हुआ कि ये साबित हो गया बी सही है, बी को छोड़ दिया गया। फिर ए ने दूसरे कोर्ट में जाके केस किया, ठीक है, जैसे अपील फाइल करते हैं या कुछ, ठीक है, ये हो सकता है?
दो बार केस नहीं हो सकता या दो बार सजा नहीं हो सकती? दो बार सजा नहीं हो सकती। अगर पहले वाली केस में केस तो हुआ लेकिन सजा नहीं हुई, तो आप उसको दोबारा कोर्ट में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर केस हो गया, सजा हो गई, फिर हम उसको उसी चीज के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं दिला सकते। फर्स्ट लाइन में क्योंकि लिखा है प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, ठीक है, केस हुआ हो और सजा हुई हो, फिर वो चीज दोबारा नहीं हो सकती। देखो लिखा है, देयरफॉर इफ अ पर्सन हैज बीन लेट ऑफ आफ्टर प्रोसिक्यूशन, लेट ऑफ मतलब उसे छोड़ दिया गया, प्रोसिक्यूशन हुआ, केस हुआ, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, विदाउट बीइंग पनिश्ड ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अगेन। प्रोसिक्यूशन दोबारा हो सकता है लेकिन पनिशमेंट दोबारा नहीं हो सकती। क्लियर? ठीक है, दो हो गए। पहला राइट कौन सा था? एक्स पोस्ट फैक्टो। अगर आप ध्यान दो तो ये सारे अधिकार उन लोगों को मिल रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने गलत काम किया है। तो पहला क्या था? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और दूसरा कौन सा था? डबल जियोपार्डी। तीसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब हमको हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे ये आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा कि हमसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं कबूलवाया जा सकता है, और होता है वैसे, ऐसा पुलिस ऐसा करती है, लेकिन दैट इज नॉट लीगल। ओके, वो भी अगर पिक्चरों में आपने देखा हो ध्यान से, तो ये भी देखा हो, वो भी छिपके करती है। ठीक है, आप जो कन्फेशन होता है ना, व्हाट इज कन्फेशन? एडमिट करना, कुछ भी एक्सेप्ट करना, ये फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता जिसमें आप अपने खुद के खिलाफ गवाही दे रहे हो। ये भी प्रोटेक्शन उस पर्सन को मिली हुई है जिसने एक्चुअली में क्राइम किया है। देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा कि वो खुद के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मजबूर हो जाए। इन अदर वर्ड्स, एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू स्टेट एनीथिंग व्हिच गोज अगेंस्ट हिम, बट इट इज टू बी नोटेड दैट अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू दिस प्रोटेक्शन ओनली वेन द थ्री कंडीशन आर फुलफिल्ड। सबसे पहली चीज, ही मस्ट बी एन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, वो कोई अक्यूज होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ कंपल्शन टू बी अ विटनेस, उसको फोर्स किया जा रहा हो कि तुम अपने खिलाफ कुछ बोलो, एडमिट करो। एंड थर्ड, सच कंपल्शन शुड रिजल्ट इन हिज गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और अगर उसने वो चीज एक्सेप्ट कर ली तो उसके खिलाफ ही वो चीज सबूत बन जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम किसी पर्सन को कुछ एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीन प्रोटेक्शंस हैं जो आर्टिकल 20 के अंदर दिए हुए हैं। पहला कौन सा था? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या था? जिस वक्त हमने जो गलत काम किया है हमारे ऊपर उसी टाइम की सजा एप्लीकेबल होगी। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव सब्सटेंटिव लॉ नहीं हो सकता, प्रोसीजरल लॉ हो सकता है। सेकेंड कौन सा था? डबल जियोपार्डी, एक ही गुनाह के लिए हमें बार बार सजा नहीं दी जा सकती। प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, अगर प्रोसिक्यूशन के बाद हमें छोड़ दिया गया तो दोबारा प्रोसिक्यूशन हो सकता है, लेकिन अगर पनिशमेंट मिल चुकी है तो हमें दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एंड थर्ड इज सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो हमारे ही खिलाफ विटनेस हो सके। तो नोबडी विल फोर्स मी टू एक्सेप्ट सच अ थिंग जो हमारे ही खिलाफ विटनेस की तरह एक्ट कर जाए। ये तीन प्रोटेक्शन मिली हैं उन लोगों को जिन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया है। एनी डाउट? क्लियर? ठीक है, तो तीन। हाँ बेटा, हाँ, एक्चुअली रूल इज दैट पुलिस के सामने दिया हुआ बयान की वैल्यू नहीं होती, कोर्ट के सामने आपने जो बोला है वो वैल्यू होगी। तो अगर जैसे हमने पुलिस के सामने, मालूम हमने कुछ एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कई बार होता है, हमने पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर लिया, फिर कोर्ट में जाके हमने अपना बयान चेंज कर दिया, तो जो आपने कोर्ट में बोला है ना वो माना जाएगा। उसका उसका मतलब रूल ये है कि हो सकता है पुलिस के सामने आपने डर के बोल दिया हो, या पुलिस ने आपको डरा धमका के कबुलवा लिया हो। तो रूल ये कहता है कि पुलिस के सामने वट एवर स्टेटमेंट यू हैव गिवन उसको सबूत नहीं माना जाता। हाँ, वो फिर एविडेंस होगा बेटा, विटनेस का जो स्टेटमेंट है। देखो नॉर्मल समझो ना, जब उस इंसान से कोर्ट खुद पूछ सकता है तो हम उसके स्टेटमेंट पे क्यों बिलीव करें? अभी हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम उस इंसान को खुद बुला के लाइव पूछ सकते हैं तो फिर उसके दिए हुए स्टेटमेंट पे बिलीव करने का कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट ये कहता है तुमने पुलिस के सामने क्या काम है उससे मतलब नहीं है,
आज हमारे सामने जो बोलोगे हम उसको फाइनल मानेंगे. दैट इज वाई जनरली पीपल चेंज द स्टेटमेंट. तो माना वही जाता है जो कोर्ट के सामने होता है. ठीक है. चलो अब बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 21 की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. अच्छा एक बात बताइए, हमें जीने का अधिकार है? कैसी बात कर रही है, बिल्कुल है जीने का अधिकार. अच्छा ये बताओ हम लोग को मरने का अधिकार है? आप कह रहे नहीं अधिकार नहीं है, लायक जरूर है, हो ही नहीं पा रहा है सीएस हमसे, है ना. बताओ मरने का अधिकार है? डू वी हैव अ राइट टू किल आवर सेल्स? सुसाइड क्राइम है, पता है आपको ये? पता है सुसाइड करना क्राइम है, मतलब सुसाइड का रूल समझो. अगर कभी कोशिश करो तो फिर इंश्योर करना चाहिए मरिए जाओ, क्योंकि बच गए तो वो क्राइम है, जेल में अलग बंद हो जाओगे. ठीक है फाइन. तो बेसिकली वी हैव अ राइट टू लिव बट वी डू नॉट हैव अ राइट टू डाई. इसीलिए आपने सुना होगा यूथनेशिया वर्ड होता है, मर्सी किलिंग जिसको हम लोग कहते हैं. ठीक है, मर्सी किलिंग कहीं कहीं पर लॉफुल मानी जाती है, ठीक है, बट कहीं कहीं पर लॉफुल नहीं मानी जाती है, क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहता है कि हमको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और कोई भी ऐसी चीज जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है हम उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं. इसमें सबसे बेसिक एग्जाम्पल आता है जो लाउडस्पीकर बजते हैं. ठीक है, रूल ये कहता है, जैसे आपने सुना होगा अब तो खैर रूल ही बन गया कि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे या कुछ ऐसा होगा. अगर लोग नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं तो ये आपके आर्टिकल 21 के खिलाफ होता है. क्यों? क्योंकि वी हैव अ राइट टू लिव पीसफुली, हमें शांति से जीने का अधिकार है. तो अगर कोई लाउडस्पीकर बजा रहा है और हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो हम उसकी पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, वो बात अलग है. हमने खुद ईयरफोन लगा के तेज वॉल्यूम में गाने चलाए हुए हैं, है ना. बट द रूल इज दैट कि अगर कोई हमारी राइट टू लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वी हैव अ राइट टू लिव पीसफुली. ठीक है, और नॉइस पोल्यूशन इसके अंदर आता है. तो अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास अधिकार है कि हम पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं. आपको पता है कई बार तो रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ केसेस में ऐसा हुआ है कि एक बार आई थिंक सूरत वूरत का कहीं केस, एक शादी हो रही थी. अब शादी में तो भाई डीजे वीजे चल ही रहा था, उनके मोहल्ले वालों ने कंप्लेन कर दी, पुलिस वाला आया दूल्हा को उठा के ले गया. हाँ सच में रियल केस बता रहे हैं हम आपको. तो शादी चल रही थी, वो अपना डीजे चल रहा था, बहुत तेज तेज गाने बजा रहे थे, आसपास वालों ने शिकायत कर दी कि भैया सोने नहीं दे रहे हैं लोग हमको, तब से डीजे बजाए जा रहे हैं. और बीच शादी में पुलिस आ गई, दुल्हन के पहले आ गई पुलिस और उठा के किसको ले गई, बेचारा अगले दिन रिलीज हुआ. सो दिस इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21. देखो आर्टिकल 21 कन्फर्स ऑन एवरी पर्सन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. राइट टू लाइफ तो समझ आ गया, लिबर्टी मतलब फ्रीडम. ओके, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ये वर्ड इसमें मार्क करो. आर्टिकल 14 में कौन सा शब्द था? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस. इतनी बार हम इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि याद होता चला जाए. आर्टिकल 19 में कौन सा शब्द था? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. और आर्टिकल 21 में है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. कह रहे हैं हमारे पास ये लाइन है आर्टिकल 21 की, बड़ी अच्छी है, जरा देखना. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. सबको सुकून से जीने का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ठीक है, अब दो एग्जांपल्स हम आपके सामने रखेंगे. ठीक है, हमसे कहा गया हमारे पास लिबर्टी है, हम कहीं भी जा सकते हैं. ओके, फर्स्ट केस, हम कहीं भी जा सकते हैं. तो हम इंडिया के बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन जब हम इंडिया के बाहर जाना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं जा सकते, वो वीजा पासपोर्ट लगेगा. हमने कहा हाउ डेयर यू से दैट. आर्टिकल 21 के हिसाब से हमारे पास पर्सनल लिबर्टी, हम कहीं भी जा सकते हैं. बताओ आर्टिकल 21 की लाइन पढ़ के आपका क्या जस्टिफिकेशन है? क्या ये पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है? है? अगर 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 हम इंडिया के बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, और हम ये कह रहे हैं हम इसलिए जा सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि हमारी पर्सनल लिबर्टी है और आप हमारी लिबर्टी, हमारे फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं. तो आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है कि नहीं तुम्हें वीजा पासपोर्ट लेना पड़ेगा? गिव मी दैट वन वर्ड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है लॉ. आप कहेंगे आर्टिकल 21 को अगर आप ध्यान से देखो तो वो ये कहता है कि तुम्हारे पास पर्सनल लिबर्टी है बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से. अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से मतलब तुम इंडिया के बाहर जा सकते हो, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है. प्रोसीजर ये है दैट यू विल हैव टू टेक वीजा एंड पासपोर्ट, देन ओनली यू कैन गो आउट ऑफ इंडिया.
आ गई बात समझ में? तो आर्टिकल 21 आधा नहीं है, पूरा है, राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, लेकिन विद प्रोसीजर. अगर लॉ कोई प्रोसीजर लगा रहा है तो वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. दिस वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल. ये मेनका गांधी का केस है, अभी आगे मिलेगा. एक दूसरा समझिए जरा. मान लीजिए पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन मिली और पुलिस उस इंफॉर्मेशन के लिए घरों में सर्च कर रही है, ठीक है, जैसे होता है ना, सर्चिंग कर रही है, ढूंढ रही है किसी पर्सन को या कोई चीज. तो हुआ क्या कि पुलिस आई और पुलिस जो है वो घर पे सर्चिंग करने लग गई, तो उस पर्सन ने कहा, उसने पढ़ी थी JIGL की क्लास, उसने कहा दिस इज अगेंस्ट माई राइट टू आर्टिकल 21. हमको अपने घर में सुकून से रहने का अधिकार है और ये जो पुलिस वाले हमारे घर में आके सर्चिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा वो सुकून जो है वो खत्म हो रहा है. सिंस दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 21, इसलिए पुलिस इज नॉट अलाउड टू कम एंड सर्च. समझ में आया केस? अब बताओ हाउ फार दिस इज जस्टिफाइड. क्या पुलिस वाले किसी के भी घर में जाके ऐसे चेकिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते. उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है? वारंट. बताओ वारंट कौन से वर्ड में आ गया? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. ओके, पुलिस वाले किसी भी घर में जाके ऐसे सर्चिंग नहीं कर सकते. दे कैन डू सो ओनली बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में आ जाता है सर्च वारंट. यानी हमारे पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, लेकिन अगर हमारी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए. वो प्रोसीजर है वो सर्च वारंट. तो अगर आपके पास सर्च वारंट है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आर्टिकल 21 के हिसाब से आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर माई हाउस. ठीक है, दिस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड लिबर्टी. क्लियर? चलो पढ़ते हैं इसको. द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स दोज थिंग्स विच मेक लाइफ मीनिंगफुल. फॉर एग्जाम्पल, राइट ऑफ अ कपल टू अडॉप्ट अ सन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अगर कोई कपल कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहा है, ये उनके आर्टिकल 21 में आएगा. ओके, द राइट टू लाइफ इनश्राइंड इन आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी. अगली लाइन में देखो क्या लिखा है. राइट टू लिव इन फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट. हम नॉइज पोल्यूशन से फ्री होके रहना चाह रहे हैं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है. एंड नॉइज पोल्यूशन बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट इज एन इन रोड इन टू दैट राइट. अब देखो एक केस मिलेगा. हाँ देखो, खड़क सिंह मिला आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में. एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इज नॉट लिमिटेड टू बॉडिली रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट टू प्रिजन ओनली इज वेल इलस्ट्रेटेड इन खड़क सिंह. इन दैट केस द क्वेश्चन रेज्ड वॉज, जरा ध्यान से देखना, बताना सुना सुना लग रहा है कि नहीं. द क्वेश्चन रेज्ड वॉज ऑफ द वैलिडिटी ऑफ पुलिस रेगुलेशन ऑथराइजिंग द पुलिस टू कंडक्ट वॉट आर कॉल्ड एज डोमिसिलरी विजिट्स. डोमिसिलरी विजिट क्या हुआ? डोमिसाइल क्या हुआ? घर. डोमिसिलरी विजिट मतलब घर घर में ढूंढा जा रहा है. अगेंस्ट बैड कैरेक्टर एंड टू हैव सर्विलेंस ओवर देम. ये आपको पता है, पुलिस भी अगर, जैसे ये शायद आपने पिक्चर वगैरह में सुना हो कि किसी का फोन टैप करने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है. आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर नजर नहीं रख सकते लीगली. इलीगली तो हम सबके ऊपर नजर ही रखते हैं, ठीक है. लीगली आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते. ये सब करने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए होती है. ओके, द कोर्ट हेल्ड दैट सच विजिट वर एन इन्वेजन ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ अ मैन्स होम. सैंक्टिटी इज प्योरिटी. कह रहे हर इंसान अपने घर में सुकून से रहना चाह रहा है और पुलिस ऐसे बार बार आके उनके घर पे विजिट करेगी तो उनके घर की जो प्योरिटी है, उनका जो सुकून है, वो खत्म हो जाएगा. एंड एन इंट्रूजन इन टू हिज पर्सनल सिक्योरिटी एंड हिज राइट टू स्लीप. कह रहे हैं उसका राइट टू स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है बेचारा, बार बार पुलिस आ जाती है, ठीक है. एंड देयरफॉर वायलेटिव ऑफ पर्सनल लिबर्टी. इसलिए ये पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है. ये क्या लिखा है? अनलेस ऑथराइज बाय वैलिड लॉ. मतलब हाँ, अनलेस ऑथराइज बाय वैलिड लॉ मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अब अगर मान लो किसी एक्ट में लिखा है, जो कि लिखा होता है कि अगर किसी अथॉरिटी को डाउट होता है तो जिस पर्सन के ऊपर डाउट है उसके घर पे चेकिंग की जा सकती है, तो अगर लॉ में लिखा है, अलाउड है, प्रोसीजर है, तो ठीक है. और अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा है, देन इन दैट केस पुलिस किसी के घर पे भी जाके चेकिंग नहीं कर सकती, ठीक है, फाइन. एज रिगार्ड्स द रेगुलेशन ऑथराइजिंग सर्विलेंस ओवर मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल द कोर्ट वॉज ऑफ द व्यू दैट दे वर नॉट बैड एज नो राइट टू प्रिवेसी हैज बीन गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सर्विलेंस ओवर मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. कई बार पुलिस ना किसी पे नजर रखती है,
ठीक है, कि हम सिर्फ नजर रखें कि वो बंदा कहाँ जा रहा है, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, कह रहे हैं ये अलाउड है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि कुछ बैड कैरेक्टर है या कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो नजर रखी जा सकती है, दैट इज अलाउड। लेकिन आप घर में जाके उसकी चेकिंग कर रहे हो बार बार, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, तो ये केस था खड़क सिंह का। और एक केस आपको देखो दिखेगा, मेनका गांधी करके कहीं होंगी, मिली मेनका गांधी, मिली, लास्ट पैराग्राफ में है। इट वॉज स्टेटेड इन मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बीच में जो दो केस है वो भी पढ़ लेना, वही चीज है, दैट पर्सनल लिबर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 इंक्लूड विद इन इट्स एम्बिट राइट टू गो अब्रॉड। पर्सनल लिबर्टी में राइट टू गो अब्रॉड तो है, एंड नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये कह रहे हैं आपका बाहर जाने का अधिकार, इंडिया के बाहर हम जा सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करके जाओ। इन दिस केस इट वॉज क्लियरली लेड डाउन फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दस अ लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ पर्सनल लिबर्टी and prescribing a procedure for that purpose within the meaning of 21 has still to stand the test of one or more fundamental rights article 19 which may be applicable to a given situation। ये बात समझ में आई? कह रहे हैं जैसे आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है, ठीक है, तो आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर्स फॉलो करना है तो फिर आर्टिकल 19 भी हो गया। अगर आप देखो तो आर्टिकल 19 भी तो यही था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो हमें दोनों आर्टिकल चेक करने होंगे। ओके, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19 भी देखना होगा, आर्टिकल 21 भी देखना होगा, तब ये माना जाएगा कि सब सही है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि हमने आर्टिकल 21, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 कह रहे पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के हिसाब से जाओ। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द सोवरेनिटी कर रहे हो, अगेंस्ट द इंटेग्रिटी कर रहे हो, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो देखा जाए तो 21 के हिसाब से तो सब सही है, लेकिन 19 के हिसाब से सही नहीं है। तो अलाउड होगा कि नॉट अलाउड होगा? नॉट अलाउड। आप बात समझ रहे हो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आर्टिकल 21 ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मोरालिटी या सोवरेनिटी के अगेंस्ट होना चाहिए, उसने क्या कहा? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। तो सिर्फ एक आर्टिकल को देख के काम नहीं चलेगा, आपको आर्टिकल 19 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। दोनों को देख के डिसाइड होगा कि आपको वो परमिशन मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। क्लियर? और फिर देखो उसी चीज को इन्होंने डिफाइन किया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मींस प्रोसीजर लेड डाउन बाय स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मींस लॉ, और प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ अकॉर्डिंगली। फर्स्ट देयर मस्ट बी अ लॉ जस्टिफाइंग इंटरफेरेंस विद अ पर्सनल्स लाइफ और पर्सनल्स लिबर्टी, एंड सेकेंडली द लॉ शुड बी अ वैलिड वन। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए आपके घर में अचानक एक चिट्ठी आ गई और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपको 10 साल की सजा हो गई, मान लोगे? क्यों क्यों नहीं मानेंगे? कोर्ट की चिट्ठी है, कोर्ट ने लिखा है कि आपको, आपने ये गुनाह किया था इसलिए आपको 10 साल की सजा हो गई, अब कपड़े चेंज करो, चलो जेल। आप क्या कहेंगे पता है? आप कहेंगे वेयर इज द प्रोसीजर? ना हमारे घर में समन आया, ना कोर्ट की कोई हियरिंग हुई, ना कोर्ट ने हमारे सामने सुनवाई करी, ना हमसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, हमें सफाई देने का मौका नहीं दिया गया, आप सीधे हमें सजा सुना रहे हो, ये कैसा सिचुएशन है? सो अगर कोई कोर्ट भी हमारे खिलाफ डिसीजन दे रहा है तो उसको भी क्या फॉलो करना पड़ेगा? प्रोसीजर। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इवन हर लॉ में जो एक लाइन होती है ना, सफाई देने का मौका दिया जाएगा। अगर आपने पिक्चरों में देखा हो तो कोर्ट सजा सुनाने के पहले जज जो होता है वो नहीं बोलता उससे कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, ये जो वो बोलता है ना अपनी सफाई में कुछ कहना है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल ओनली, कि आई हैव अ राइट टू स्पीक, हमें बोलने का अधिकार है, हमें लाइफ लिबर्टी से जीने का अधिकार है, तो वो प्रोसीजर हर चीज का फॉलो होना जरूरी है। दैट इज व्हाट इज आर्टिकल 21। एनी डाउट? हाँ बेटा, वॉर पे गए हैं मतलब? ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, ये जो भी प्रोटेक्शंस होते हैं ना जो क्रिमिनल्स को भी मिलते हैं, वो एलियन एनिमी को कुछ नहीं मिलता। अभी हम लोग पढ़ेंगे अगला आर्टिकल। एलियन एनिमी समझ गए कौन हुए? टेररिस्ट। टेररिस्ट मींस जो दूसरी कंट्री के हैं और हमारी कंट्री को हार्म करें। आप सब खुद सोच के देखो, क्या हम एलियन एनिमीज यानी टेररिस्ट को भी यही सब प्रोटेक्शन देंगे?
जब तक हम उसको प्रोटेक्शन देंगे वो एक और बम फोड़ देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि एलियन एनिमी को किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती उनके ऊपर। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अगर कोई एलियन एनिमी है, टेररिस्ट है, ही विल नॉट बी गेटिंग एनी प्रोटेक्शन। ओके, चलो, तो हम लोग ने 14 पढ़ लिया। 15 किस चीज, 14 किस चीज का था? इक्वालिटी। 15 किस चीज का था? 15 प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस। ठीक है, 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट था, 17 18 उन्होंने बताया नहीं, 19 फ्रीडम वाले थे, 20 20 के अंदर तीन थे, पहला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा डबल जियोपार्डी, तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, चलो अब देखो एक केस दिखेगा आपको, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 2018। ये एक्चुअली कोई केस स्टडी नहीं है, बट आपको ये पता है कि कुछ हाई कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। लाइव स्ट्रीमिंग समझते हो, जो कोर्ट चल रहा है वो लाइव दिखाया जाता है लोगों को। यू कैन सी इन द इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट या कई बार यूट्यूब में यू कैन लाइव सी कि कोर्ट कैसे चल रहा है। ये पता था आपको? 2018 में ही ये केस हुआ और इस केस में बोला गया कि भाई वी हैव अ राइट टू नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड। लोगों को ये जानने का अधिकार है, लोगों को पता होना चाहिए कि कोर्ट में प्रोसीजर क्या चल रहा है। तो कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ कर दी है। तो अगर आपका कभी देखने का मन करे तो थोड़ा सर्च वर्च करके किसी कोर्ट के लाइव प्रोसीडिंग देखना कि एक्चुअली में होता कैसे है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इन दिस केस पेटिशनर्स हैव सॉट अ डिक्लेरेशन दैट सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। उन्होंने कहा जो ऐसे केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट हैं, सबके लिए जरूरी हैं, Having an impact on the public at large or large number of people should be live streamed in a manner that is easily accessible for public viewing. तो इन्होंने ये contention रखा कि जो ऐसे cases हैं जो बहुत जरूरी हैं, public के लिए जरूरी हैं, लोगों के लिए जरूरी हैं, उनकी live streaming होनी चाहिए। The three judge bench held that live streaming of court proceedings are important so as to enable administration of justice, especially owing to the effect that it has a इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक एट लार्ज। तो देखो जजमेंट क्या आई थी, इनवर्टेड कॉमा में लिखा होने का मतलब क्या होता है, ये एज इट इज जजमेंट है कोर्ट की। किसी भी चीज को जब हम कहीं से लेते हैं ना तो उसको इनवर्टेड कॉमास में डालते हैं कि हमारी वो लाइन्स नहीं है, ये हमने कहीं से ली हुई है, और ये जजमेंट की लाइन्स हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग इज क्रूशियल टू द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग, ग्रांटिंग फुल एक्सेस टू जस्टिस टू द लिटिगेंट। Access to justice can never be complete without litigant being able to see, hear and understand the course of proceeding. कह रहे हैं ये जरूरी है कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये अग्री कर लिया है कि हम अपने यहाँ की प्रोसीडिंग्स का लाइव स्ट्रीम कराएंगे। ठीक है, तो कोई केस नहीं है, बस ये लाइन याद रखना कि लाइव प्रोसीडिंग्स आर नाउ अलाउड। ओके, अब बात करेंगे आर्टिकल 21A की, राइट टू एजुकेशन। दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, 86th amendment, according to this the state shall provide free and compulsory education to all children of age of 6 to 14। ये हम लोग को पता है 6 साल से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन जो है वो फ्री है और कंपलसरी है। इन एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन केस द कोर्ट हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 21 इट इज इंपेरेटिव दैट स्कूल्स मस्ट हैव क्वालिफाइड टीचर एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हर स्कूल में क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, ये चीज आर्टिकल 21A को पूरा करने के लिए लगाया है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक अच्छी एजुकेशन दी नहीं जा सकती है। ओके, नेक्स्ट केस में लिखा है 2011 का केस, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, द कोर्ट हेल्ड दैट राइट ऑफ अ चाइल्ड शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बट शुड बी एक्सटेंडेड टू हैव क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड गुड एजुकेशन। ओके, तो ये सारे बच्चों का अधिकार है कि उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी और अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। आई होप 21A इज नॉट अ डाउट, सिंपल है, राइट टू एजुकेशन। ओके, अगला देखो, यही आई वॉज टॉकिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। नाउ ये प्रोटेक्शन जरा समझो किसको दी जा रही है, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये अधिकार उनको दिया जा रहा है जिनको अरेस्ट किया गया है।
अच्छा आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया है, ये पिक्चरों में आपने देखा होगा, जैसे किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वो कहता नहीं हमको एक फोन करना है, हमें एक फोन करने की परमिशन दे दीजिए। वो किसको फोन करने जा रहा होता है, किसको? लॉयर को। अरे नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करने जाता है। वो खून पी जाएगी, कहाँ गए कहाँ गए, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, आफत हो जाती है ना इतनी देर में, है? नहीं, वो किसको फोन करने जाते हैं? लॉयर को। जिन लोगों को अरेस्ट किया जाता है उनके पास भी कुछ अधिकार है। सबसे पहला अधिकार, अगेन आपको रिलेट करेंगे अगर आपने पिक्चरों में देखा हो, सबसे पहला अधिकार ये होता है, वो ये जानना चाहते हैं हमको किस गुनाह पे अरेस्ट कर रहे हो। यू हैव अ राइट टू नो ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही इज अरेस्टिंग। तो अगर कोई पुलिस वाला आया और उसने आपको अरेस्ट किया तो आप सबसे पहले उसे क्या पूछोगे, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, गुनाह क्या है? ठीक है, वो बात अलग है, प्रैक्टिकली क्या होता है, पुलिस वाला कहते हैं सब बताएंगे पहले पुलिस स्टेशन चलो, है ना, यही देखते हैं ना पिक्चरों में। लेकिन लीगली कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है यू हैव अ राइट टू नो क्यों अरेस्ट हुआ है, एंड यू हैव अ राइट टू कंसल्ट योर लीगल प्रैक्टिशनर। आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करें। ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे का मतलब क्या हुआ, किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो ये अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कभी ऐसा हो तो यू नो यू शुड आस्क, सबसे पहले पूछना कि क्या गुनाह किया है हमने। तो मान लीजिए पुलिस आई, ठीक है, और आपसे कहा चलो पुलिस स्टेशन, आपने कुछ पूछा नहीं बताया नहीं, डर गए और आपने खुद ही कह दिया हाँ हाँ वो खून हम ही ने किया है। बाद में पता चला पुलिस वाला तो बगल वाले घर में आया था, वो गलती से आपके यहाँ आ गया। समझ में आया? कभी खुद कबूल कुछ ना कर लेना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ऑल्दो आर्टिकल 21 डज नॉट इम्पोज लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेचर इन सो फार एज डेप्राइवेशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज कंसर्न, येट अ लेजिस्लेटिव एक्ट प्रोवाइडिंग फॉर सच डेप्राइवेशन इज सब्जेक्ट टू प्रोसीजरल सेफगार्ड। इतनी भयानक भाषा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से माँ करो। आर्टिकल 22 जो है ये कुछ सेफगार्ड्स दे रहा है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेफगार्ड लिख लो, सेफगार्ड टू पर्सन अरेस्टेड। ठीक है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको क्या सेफगार्ड दिए जा रहे हैं, और ये जो सेफगार्ड हैं ये तीन कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, एलियन एनिमी, पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड अदर पर्सन। तीन कैटेगरी के लोग हैं जिनको ये प्रिवेंशन मिल रही है। सबसे पहले आती है एलियन एनिमी। अभी हमने आपको बताया एलियन एनिमी कौन होते हैं, एलियन एनिमी जो दूसरे देश के हैं, ठीक है, और हमारे एनिमी हैं। ये आर्टिकल एलियन एनिमी को कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कह रहे हैं सो फार एज एलियन एनिमीज आर कंसर्न द आर्टिकल प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन टू देम। आप सोच के देखिए, किसी टेररिस्ट को पकड़ा, अब टेररिस्ट पूछ रहा है पहले बताओ हमने गुनाह क्या किया है, ये पूछेगा, और फिर वो टेररिस्ट ये कहेगा रुको मैं एक फोन करने को मौका दो, आपको नहीं लग रहा उस फोन के बाद फिर कुछ बचेगा नहीं? ठीक है, कह रहे हैं ये प्रोटेक्शन एलियन एनिमी को नहीं दिए जा सकते। सेकेंड कह रहे हैं सो फार एज पर्सन इन कैटेगरी आर कंसर्न इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग राइट्स। देखो पहली कैटेगरी है एलियन एनिमी, इनको कोई अधिकार नहीं मिल रहा, नो राइट, ठीक है। उसके बाद एक कैटेगरी आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हम आपको बता दे रहे हैं, आपने कभी सुना है कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है शक के बेसिस पे, शक के डाउट के बेसिस पे अरेस्ट कर लिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है प्रिवेंशन करके डिटेन कर लिया, प्रिवेंशन करने के लिए डिटेन कर लिया। अभी तुमने कोई गलत काम नहीं किया है लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गलत करने वाले हो, तो तुम्हारे कुछ गलत करने के पहले ही तुमको अरेस्ट करके रख लिया, इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को क्या सेफगार्ड मिले वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पर ये जो अधिकार है ये मिले थर्ड कैटेगरी को, जो कि कौन है, अदर्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, पहले वाले एलियन एनिमी है उनको कुछ नहीं मिलेगा, अदर्स वालों के लिए ये तीन है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए देखो नेक्स्ट पेज पे पैराग्राफ है पूरा। तो अदर्स वालों को जरा देखो पहला क्या अधिकार मिल रहा है, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन्ड इन कस्टडी अनलेस ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। सबसे पहला अधिकार हमें ये जानने का है कि हमको किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। सेकंड क्या है पढ़ो, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, उसके पास अधिकार है कि वो अपने वकील को कॉल कर सकता है। और तीसरा,
अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट. 24 घंटे, आपने शायद सुना भी होगा, 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप पे नहीं रख सकते, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते. या तो आप उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ, उसका केस हो और फिर जेल हो, वो आगे की कार्रवाई हो, बट सिर्फ लॉकअप में आप उसको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. ये तीन अधिकार हैं जो उनको मिलते हैं जिनको अरेस्ट किया गया है. पहला, उनको रीजन पता होना चाहिए. दूसरा, वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं. एंड दे कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट प्रेजेंटिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट. ठीक है, तो तीन कैटेगरी थी. एलियन एनिमी को कुछ नहीं मिला, अदर्स वालों को ये तीन मिले. ठीक है, और अब देखते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या चीज है. अभी हमने आपको बताया प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेन करने का मतलब क्या होता है, कैद कर लेना, और प्रिवेंशन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को रोकने के लिए. ठीक है, यानी किसी गलत काम को रोकने के लिए हमने आपको जेल में रख लिया, अभी आपने वो गलत काम किया नहीं है. ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, ये लाइन बताओ क्या हुआ, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल. व्हाट इज ट्रायल, कोर्ट केस. ट्रायल इज अ कोर्ट केस. बिना कोर्ट केस के, बिना किसी सजा के हमने तुम्हें लॉकअप में रख लिया. ठीक है, क्यों रखा, क्योंकि हमें डाउट था, हमें ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ गलत काम करने वाले हो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर हैविंग डन समथिंग बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग इट. बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं. आपने कुछ गलत किया है, उसकी पनिशमेंट दे रहे हैं, या आप कुछ गलत ना करो इसके लिए हम आपको रोक रहे हैं. कुछ गलत ना करो इसके लिए रोका जा रहा है. नो ऑफेंस इज प्रूव्ड, कह रहे हैं अभी आपके खिलाफ कोई ऑफेंस प्रूव ही नहीं हुआ क्योंकि अभी आपने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है. नॉर एनी चार्ज फॉर्मुलेटेड, ना आपके ऊपर कोई चार्ज लगा है. येट अ पर्सन इज डिटेन्ड बिकॉज ही इज लाइकली टू कमिट एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक अ लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ज्यादातर ये तब लगता है जब वो मैटर कंट्री की सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड है. तो कई बार ऐसे नहीं होता कि पुलिस को ऐसी खबर मिल गई कि ये ग्रुप जो है ये कुछ ऐसा दंगा वंगा करने वाला है. अब उन्होंने अभी कुछ किया नहीं है लेकिन पुलिस उनको लॉकअप पे डाल लेती है. दिस इज बेस्ड ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन. ओके, इनको क्या सेफगार्ड मिले हैं, जरा ये देखते हैं. फर्स्ट, सच पर्सन कैन नॉट बी डिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ्स. कितने समय के लिए उसको डिटेन करके रखोगे, हमको ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गलत काम करोगे इसलिए हम तुम्हें जिंदगी भर से जेल में रखे हुए हैं, ये पॉसिबल है? नो. कह रहे मैक्सिमम तुम्हें कितना रख सकते हैं, 3 मंथ्स. और इसके अंदर की पैराग्राफ में लिखा है कि अगर कोई जस्टिफाइड रीजन है तो हो सकता है 3 मंथ्स के पीरियड को एक्सटेंड कर दे. ठीक है, एन एडवाइजरी बोर्ड, मतलब अंदर याद मत करना, सिर्फ एक बार रीड करा दे रहे. एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ पर्संस हु आर और हैव बीन क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जजेस हैव रिपोर्टेड before expiration of set period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for justification and parliament may allow maximum period for which any person may be detained. ye andar ka karne ki requirement nahi hai, bas itna yaad kar lena ki 3 months se zyada nahi rakha ja sakta, lekin agar justified reason hai to 3 mahine ke period ko hum extend kar sakte hain. aur ye do aur hai, ek ye right hai, ek ye right hai, aur ye hai. zara second aur third padho. सेकेंड क्या है, वही जो वहां था. सेकेंड वाला क्या था कि उसको ग्राउंड बताए जाएंगे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है. और थर्ड क्या है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, मतलब लीगल प्रैक्टिशनर. तो देखा जाए तो लगभग सेम है, बस लीगल प्रैक्टिशनर वाला सेम है, रीजन वाला सेम है. वहां 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना था और यहां मैक्सिमम डिटेन कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए. ठीक है, दिस इज व्हाट इज आर्टिकल 22. ठीक है, 22 में क्या था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें तीन कैटेगरीज थी, एलियन एनिमी थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन था और अदर्स था. ठीक है, एलियन एनिमी को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली, प्रिवेंटिव डिटेंशन और उनको तीन प्रोटेक्शन मिली, लीगल प्रैक्टिशनर, ग्राउंड्स एंड देन टाइम पीरियड. फाइन, 22 तक पहुंच गए. शुरुआत कहां से करी थी हम लोग ने, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स की. ठीक है, फंडामेंटल राइट की स्टार्ट हम लोगों ने करी थी 14 से. 14 किस चीज का था,
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्लासिफिकेशन, एंड क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड रैशनल नेक्सस. फिर हम लोग ने उसी का 15 था, उसी का 16 था. फिर हम लोग ने पढ़ा 19 वॉज बेस्ड ऑन, 19 वॉज बेस्ड ऑन फ्रीडम. ठीक है, फ्रीडम के अधिकार थे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है बट दैट रिस्ट्रिक्शन हैज टू बी रीजनेबल. फिर हम लोग ने कौन सा पढ़ा 19 के बाद 20. 20 के अंदर तीन थे, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इनक्रिमिनेशन. याद है तीनों? ठीक है, उसके बाद था 21. 21 वाज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसमें हमने आपको दो केस पढ़ाए थे, खड़क सिंह वाला. खड़क सिंह देखो पुलिस वाला जैसे लग रहा है, तो याद रखना वो वाला है. ठीक है, और मेनका गांधी बाहर जाती आती रहती है, तो ये कौन सा हो गया? वो पासपोर्ट वाला. ठीक है, ये लिखना आना एग्जाम में. ठीक है, ये सब याद करने के लिए बता रहे हैं. फिर था 21A. 21A वाज राइट टू एजुकेशन एंड देन वाज 22, जिसके अंदर प्रोटेक्शन मिल रहा है अरेस्ट एंड डिटेंशन का. एनी डाउट टिल हियर? चलो इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे. ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, आपको तो एक नहीं लग रहा आप ही का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? चलो मैम, प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मेकर. हाँ कह सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. अगर देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ वर्ड जो आर्टिकल ऑनलाइन का डाउट ले रहे हैं. ठीक है, आपको ये ना लगे बड़बड़ा रहे हैं. हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन बेटा जो है वो आर्टिकल 22 में है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो 21 में है. तो ये डिपेंड करेगा कि वो केस किस में फॉल कर रहा है. ठीक है, देन वी कैन यूज द वर्ड्स. चलिए नेक्स्ट, इसको हम लोग आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेस्ट है ना वो हम दो पार्ट्स में लेंगे. ठीक है,